नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिन भर की खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी तमाम बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत में आपको बताएंगे क्यों चुनाव आयोग ने बदला यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनावों की तारीख को। केंद्र सरकार की कानून व्यवस्था पर विपक्ष क्यों उठा रहा है सवाल। अमेरिका चुनाव का भारत पर क्या पड़ रहा है असर। किसकी जीत के लिए दिल्ली में हो रहा हवन और अनुष्ठान। आगे जानेंगे चुनाव आयोग के फैसले से क्यों हुई भाजपा नाराज। बुलेटिन के आखिरी में आपको बताएंगे सीएम योगी को धमकी देने वाली महिला ने क्या खुलासे किए। लेकिन इन सभी खबरों पर चर्चा करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनावों की तारीख बदली। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 13 नवंबर नहीं अब 20 नवंबर को होंगे उपचुनाव। AIMIM के प्रमुख ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, आतंकवाद को लेकर लगाए गंभीर आरोप। अमेरिका चुनाव की सरगर्मियां हुई भारत में तेज, ट्रंप की जीत के लिए दिल्ली में हुआ हवन और अनुष्ठान। महाराष्ट्र चुनाव से पहले चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, DGP रश्मि शुक्ला का हुआ तबादला, मुख्य आयुक्त राजीव कुमार ने दिए आदेश। मुस्लिम मतदाताओं के बीच कार्यक्रम में कुंदर की भाजपा प्रत्याशी रामबीर सिंह ठाकुर के टोपी और रुमाल पहनने के बाद हुआ बवाल, सपा ने कहा नौटंकीबाज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनावों की तारीख बदल दी गई है। अब ये चुनाव 20 नवंबर को होंगे। बता दें कि पहले ये चुनाव 13 नवंबर को होने वाले थे। चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव तारीखों के इतने करीब आने के बाद ये बड़ा फैसला क्यों लिया गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने 13 नवंबर को यूपी, पंजाब और केरल में होने वाले उपचुनावों की तारीखों को बदल दिया है। अब इन राज्यों में उपचुनाव 20 नवंबर को होंगे। बता दें कि इस फैसले को लेने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को पुनर्निर्धारित किया गया है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस, भाजपा, बसपा, RLD और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर यह फैसला लिया गया है। विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आतंकी हमले के पीछे केंद्र की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कई आरोपों की बौछारें भी की हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कि ओवैसी के किस बयान ने सियासी हलचल को तेज कर दिया है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमले पर केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आकर आतंकवादी हमारे नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। अभी यूपी के दो गरीब मजदूरों की हत्या पर ओवैसी ने इसे मोदी सरकार की नाकामी करार दिया है। जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमले पर कहा कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उपराज्यपाल के पास है और अगर वहां आतंकी हमले हो रहे हैं तो भाजपा को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ओवैसी का कहना है कि पाकिस्तान से आतंकी आ रहे हैं, आप उन्हें क्यों नहीं रोक रहे हैं? मोदी सरकार क्या कर रही है? उन्हें रोकना, उन्हें गिरफ्तार करना सरकार की जिम्मेदारी है। ये नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी है कि वे आतंकियों को रोक नहीं पा रहे हैं। ओवैसी के बयानों से मोदी सरकार की मुश्किलें तो अब बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन अब अगली खबर में आपको बता दें कि भारत में भी अमेरिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए दिल्ली में हवन और अनुष्ठान किया जा रहा है। इस अनुष्ठान को लेकर क्या चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है। ऐसे में दुनिया भर की नजरें इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। इस बार रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार है, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस उम्मीदवार है। दोनों के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। अमेरिका के साथ साथ भारत में भी अमेरिकी चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। इसी बीच दिल्ली में आध्यात्मिक गुरु महामंडलेश्वर स्वामी वेदमुतीनंद सरस्वती ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हवन और अनुष्ठान किया है। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें साधु संत हाथ में ट्रंप की तस्वीर भी लिए हुए हैं। बता दें कि अमेरिका के चुनाव नतीजों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, क्योंकि जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है उसका रवैया बाकी देशों के साथ अमेरिका के संबंधों पर भी पड़ता है। भारत भी इस लिस्ट में पीछे नहीं है और टकटकी लगाकर चुनावी नतीजों को देख रहा है। भारत के लिहाज से भी कई चीजें हमेशा इस बात पर टिकी होती हैं कि अमेरिका का भारत के लिए रुख कैसा रहेगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की DGP का तबादला करने का आदेश दिया है। DGP के तबादले के लिए विपक्षी दल कब से मांग कर रहा था, लेकिन
चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें करीब आते ही क्यों लिया ये बड़ा फैसला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र के डीजीपी का तबादला करने का आदेश दिया है। बता दें कि कई विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से इस मामले में शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये आदेश दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के डीजीपी रश्मि शुक्ला की जगह अब मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि कैडर के अगले वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी को उनका प्रभार सौंपा जाए। वहीं अब रश्मि शुक्ला की जगह विवेक फंसालकर को महाराष्ट्र के डीजीपी का प्रभार सौंपा गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में सभी सीटों पर मतदान होना है। वहीं वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। बता दें कि हाल ही में एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अधिकारियों को न केवल निष्पक्ष रहने की चेतावनी दी थी, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय गैर पक्षपातपूर्ण रहना होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुस्लिम मतदाताओं के बीच कार्यक्रम में कुंदर की भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर के टोपी और रुमाल पहनने के बाद सपा नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं, जिससे सियासी गलियारों में माहौल काफी बदल गया है। सपा नेताओं ने इस पूरे कृत्य को नाटकबाजी करार दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने सांसद और विधायकों को चुनाव प्रचार में उतार दिया है, जो दिन रात गांव-गांव घूमकर सपा प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान के लिए वोट मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली ने भाजपा प्रत्याशी रामवीर के टोपी और रुमाल पहनने को आडंबर बताते हुए कहा कि टोपी और रुमाल उनकी कोई मदद नहीं करेगी। अगर वो टोपी वाले इस हुलिये में योगी जी के सामने चले जाए तो मैं जानूं, और अगर वो योगी जी को ये समझाने में सफल हो जाए कि मदरसे आतंकवाद का गढ़ नहीं है, जब योगी जी यहाँ आए तो उन्हें मंच पर वो ये बात कह दे तो मैं जानूं, क्योंकि उन्होंने मदरसे वाला हुलिया बना रखा है, वरना आडंबर करने का कोई फायदा नहीं है। अटल जी ने भी एक जमाने में ऐसा हुलिया धारण किया था। अगली खबर दिल्ली से है। पटाखों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लागू हुआ, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर नाराजगी जताई, जिससे दिल्ली सरकार के मुश्किलें बढ़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बैन होने के बाद भी पटाखे फोड़े जाने पर नाखुशी जताई। अदालत ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि पटाखों पर प्रतिबंध शायद ही लागू किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमाइकस ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया उससे ये बात साफ हो गई है कि इस बार प्रदूषण का स्तर अब तक के उच्चतम स्तर पर है। यहाँ तक कि रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि ताड़ की आग भी उच्च समय पर बढ़ रही थी। हम दिल्ली सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली के पुलिस आयुक्त को प्रतिबंध लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दायर करने का भी निर्देश देते हैं। यूपी उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग के फैसले से विपक्षी दल काफी नाराज नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं इसे चुनाव आयोग और बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। चुनाव की तारीखों में हुए फेरबदल को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सपा प्रमुख ने नाराजगी जताई है और इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, जानने के लिए देखिए ये पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख में चुनाव आयोग ने बदलाव किया है। अब इन सीटों पर 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को मतदान होगा। हालांकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को ही की जाएगी। बता दें कि इससे पहले इन विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना था, वहीं चुनाव को टालने को लेकर अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। चुनाव आयोग उपचुनाव की तारीख में बदलाव फैसले के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। उनके इस पोस्ट को सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के खिलाफ देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे, पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख, बीजेपी इतनी कमजोर कभी न थी। दरअसल बता दें कि यूपी में महा बेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में बीजेपी को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही बीजेपी को इसकी भनक लगी उसने उपचुनाव को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाए। ये बीजेपी की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी
योगी आदित्यनाथ को बीते शनिवार को जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए मुंबई पुलिस ने फातिमा खान नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया। वहीं अब इस महिला से पूछताछ के बाद कई सारे खुलासे भी हुए हैं। महाराष्ट्र पुलिस को क्या कुछ जानकारियां मिली हैं, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीते शनिवार को जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में मिले इस धमकी भरे मैसेज में कहा गया कि सीएम योगी ने अगर 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो उनका हाल बाबा सिद्दीकी जैसा कर दिया जाएगा। मुंबई पुलिस ने सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने को लेकर पकड़ी गई 24 वर्षीय महिला फातिमा खान को पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि फातिमा खान एक आईटी स्नातक है, थाने जिले के उल्हासनगर में अपने परिवार के साथ रहती है। उन्हें महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS और पुलिस के संयुक्त अभियान में पकड़ा गया था। मुंबई पुलिस अधिकारी के अनुसार फातिमा को मुंबई लाया गया था, जहां उनसे पूछताछ की गई और एक नोटिस जारी करने के बाद रविवार को घर जाने की अनुमति दे दी गई। पुलिस का ये कहना है कि फातिमा मानसिक तौर पर अस्थिर है, उसके पिता लकड़ी का कारोबार करते हैं। और इसी के साथ दिन भर की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।